हैदराबाद में राज्य सरकार के अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने बुधवार को आयोजित चलो सचिवालय रैली के बाद अपने सदस्यों की अवैध गिरफ्तारी की निंदा की। विभिन्न विभागों और संगठनों में काम कर रहे अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग के लिए रैली का आयोजन किया गया था। अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों के साथ बराबर मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा और जियो नंबर 16 में कुछ विसंगतियों को हटाने की मांग की जा रही है। महासंघ के अध्यक्ष जय वेंकटेश ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध को रोकने का प्रयास किया है और अवैध गिरफ्तारी का सहारा लिया है। फेडरेशन अध्यक्ष ने कहा कि केसीआर ने आश्वासन दिया है कि अनुबंध की सेवाओं या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। आश्वासन के बाद भी अनुबंध कर्मचारियों को कम वेतन के साथ नियुक्त किया जा रहा है। फेडरेशन लीडर ने 26 अक्टूबर 2016 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करते हुए एक ही काम करने वाले कर्मचारियों को समान मजदूरी का भुगतान करने के लिए सरकार से अपील की। उन्होंने अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एकजुट संघर्ष शुरू करने का आह्वान किया, क्योंकि तेलंगाना राज्य के गठन के 3 साल बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।